इजराइल यात्रा से लौटे रांची के किसान सोमक एस बनर्जी ने बताया कि विदेश यात्रा के दौरान वहां की खेती में प्रयुक्त हो रहे अत्याधुनिक तकनीक और प्रबंधन को देखने का मौका मिला। कीबूट व्यवस्था काफ़ी अच्छा लगा, इससे गांव के सभी कृषकों को फायदा हो रहा है। वहां पर एक सिस्टम हमने देखा, कीबूट सिस्टम कैसा है कि काफ़ी सारे फार्मर्स एक पूरी कम्युनिटी बनाते हैं और वो लोग अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से स्पेशलाइज करते हैं। कहीं पर मछली पालन का कीबूट है, तो कहीं गाय पालन का है, तो कहीं सब्जी की खेती का है, कहीं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का है। और जो कीबूट जिस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है उसमें अपने आप को बढ़ोतरी और बढ़ोतरी करते चलता है, अपने आप को और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ और बेहतर क्या चाहिए और अपने आप को वहाँ पर सिखाते चलता है। और वो लोग जिस एरिया में जो चीज़ बेहतर हो सके उस एरिया के हिसाब से हैं, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे झारखंड में भी विभिन्न तरह के मौसम हैं, ज्योग्राफिकल जोन्स हैं, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट जोन्स हैं, सॉयल अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों को अगर उसके हिसाब से डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा उस जगह। श्री बनर्जी ने बताया कि भविष्य में वे इस इलाके में फार्मर्स स्कूल खोलना चाहते हैं ताकि दूसरे किसानों को भी नई तकनीक और प्रबंधन की जानकारी मिल सके। मैं एक ऑटोनोमस फार्मर स्कूल बनाऊँ, जो मैं अपने फेलो फार्मर्स का, जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो मैं सीखा हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो फार्मिंग से, इस खेत से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो जहाँ पर मैं उसको दूसरों को भी सिखा सकूँ। 100 एकड़ से अधिक भूमि पर कई वर्षों से खेती कार्य में जुटे सोमक एस बनर्जी को आसपास के गांव के कई किसान प्रेरणा स्रोत मानते हैं। खेती बारी की जानकारी हासिल करने के लिए 20-25 किसान हमेशा इनके संपर्क में रहते हैं। इससे प्रेरणा बहुत आदमी लोग ले रहे हैं। 20-25 किसान यहाँ मोटा मोटी सब भी ड्रिप में छोटे मोटे खेती कर रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। भैया को देखते हुए मैं भी प्रेरणा लिया और 10-15 एकड़ में हम लोग शिमला मिर्च मेरा भी डाला हुआ है। भैया यहाँ बहुत 10 सालों से खेती कर रहे हैं और अभी नए नए टेक्निक भी सीख के आए हैं इजराइल से, तो हम लोग छोटे किसानों का हम लोग को बहुत फायदा होगा। राज्य सरकार की ओर से 26 किसानों के दल को इजराइल भेजा गया था। वहां से लौटने के बाद ये अपने अपने जिलों और आसपास में रहने वाले किसानों को खेती के बारे में नई नई तकनीक और प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही इसका फायदा राज्य को मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।